साथियों, दरोगा जी मुझे अरेस्ट किए, थाने तक ले गए, कहीं पर चले गए, चौकीदार सलाह सो गया। मैं थाने से भागकर चंबल घाटी पहुंचा। वहां कुछ साथियों ने मिले कि बोले, ये लड़के क्यों रो रहा है? बाबूजी अपनी बीती बात बताया। साथियों ने बोले, आज एक हफ्ते पहले मुरघई में यहां का सरदार मारा गया, गराए हो, आज से तुझे यहां का सरदार बना दे रहा हूं। तुम्हारा नाम चमन कुमार से ढाको सुल्तान से हो रहा है। अब मैं चल रहा हूं, अपनी पत्नी के कातिल का पता जरूर लगाऊंगा। भैया जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। एक काम करो भाईजान, बोलो। ये बंदूक हमका गए, मान ले तुहरे पत्नी कातिल मिल जाए। क्या? तुहरे पत्नी कातिल मिल जाए तो बंदूक हमका देगा, हम पहुंचते दीफर कर। ब्लाक का भैंसा हो गया ना, कोनो बातें ना समझ पाता हमारे यार। माल माल पीछे लगबे, ऐसे का मतलब हम पहुंचते धाई दे बे। अरे यार पगले, उसे फायर बोला जाता है। फायर? जी हाँ। अरे लिखे ना है भाई। कितना पढ़े हो यार? कितना पढ़े हो? 40 तक। 40 तक? स्कूल कहाँ थी? बगल जी। कौन पढ़ा रहा था यार? मैं पढ़ाई पढ़ा जी का मास्टर लोग पढ़ा रहे हैं। कौन मास्टर थे? हम खुद ही रहे मास्टर खुद थे। इसी से 40 तक कॉलेज खुला है। चलो ठीक है, सब बात छोड़ो, समय को देखते हुए काम करना है। देखो यार, अब यहाँ से चल रहा हूँ, अपनी पत्नी का कातिल का पता जरूर लगाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आइए साथियों, पहले एक फरमाइश आई थी कव्वाली की, लेकिन समय का अभाव है, केवल दो लाइन की बात है। बाबूजी की तरफ से बहुत सारी इनायत, मैं गंगा माँ से नेक मनाया करता हूँ।
बाबू जी की जिंदगानी है। सम्मानित हमारे छोटे भाई सोनू डांसर जो कि खाखापुर के धरती से आए हैं, भैया के तरफ से बहुत सारे आयत भैया को प्रणाम पहुंचे, सलाम पहुंचे, क्या कहो कहने लायक नहीं हो। पीछे में अहिबीपुर 1000 रुपए का प्रस्ताव पार्टी की तरफ से, धन्यवाद बड़े भैया को। ये आगे हमारे सदानंद व्यापारी भैया, इनके कवाली पर खुश होकर के 1000 रुपया पार्टी हार्दिक बधाई, धन्यवाद भैया। आव आव एक बात ही बताओ। हम सुने दुल्हनिया के कानो गदेला भवा लड़चा हो जा। अरे अब तू दादी बन गए, हम काका बन गए। अरे काका का बच्चा हराम जाओ, कमाए के ना धमाए के आबादी बढ़ावे कहता ना। इंडिया अरे वो लड़का ना रे, अरे हमारा जिए का काल पैदा भव जिए काल। हे दादी, ए आगे बड़े भैया अमन कुमार, वो का करिया ये आगे अमन कुमार मिस्त्री, दुपहिया के मिस्त्री। कहा था रमेश अपने माइक भेज देता, दिन कई गाड़ी हम बना दी ठीक से, बहुत बढ़िया गाड़ी बनाती ही बगलिया। हाय हाय, बगलिया अगर हमारो देवर जठौत होते हां तो उनका हम आग लगा दें, दिन दोपहरिया में बढ़ जाते। ए भाई तो देवरा ही लागे रे। सुन पहले चलता है देखा ही हां, वो रंडी लड़की अगर पैदा करे होए हां तो जान ले कि ये घर में महाभारत चालू।
जिया ना दे काकर अब घरे का खर्चा बढ़ाओ खर्चा सही है माई पे ये खर्चा बढ़ के काम चला तो अगर भगवती गगगारे का वही ऐसे मुड़िया धाय के मसक दे बोला तो वसर तर चला तो ही देखा बाबूजी, मां के अत्याचार से मैं उस घर को छोड़कर वहां से काफी दूर एक घर बनाया। वहां पर दोनों प्राणी रहने लगा। मालिक के दिन मेरी लक्ष्मी के लड़का पैदा हुआ है। मैं थोड़ी देर बैठकर अपनी लक्ष्मी का इंतजार करता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। लक्ष्मी, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि तेरे आंखों से आंसू बह रहे, आखिर बात क्या है? क्या बताऊं स्वामी, आज दो दिन से हमारे मुन्ने को बहुत जोरों से बुखार आ रहा है और हमारे मुन्ने को बुखार नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं लक्ष्मी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर साहब से बता करके मुन्ने के लिए दवा लेकर के आ रहा हूँ, तुम बच्चे का ध्यान रखना। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत जल्द आना तुम। बहुत जल्द आऊंगा, चल आओ। ठीक है जाओ। क्या बताओ, मैं सोचती हूँ थोड़ी देर अपने मुन्ने को लेकर यहीं पर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद दवा लेकर आएंगे तो मैं अपने मुन्ने को दवा खिला दूंगी।
देख लिया भाई गाड़ी के बिटिया का, देख लिया जन्म या गाड़ी के बिटिया का, कैसे कैसे लड़का हो आई के आराम फरमा। आज एक भगवती गौड़ का जवन पैदा करे भाई, धके धके मुड़ी ने धके मुड़ी ने सदक मरवोरी दे भाई। कोई देख तो नहीं रहा है, अगर कोई देख लेगा, अगर कहीं मैं थाने चली गई तो मेरी हड्डी टूट जाएगी, मैं देख कर तब मारूंगी। कवन खोख रहा है, वही है क्यों है बे है, ये आवाज जात हुई है। ये हमारे जिये काल रहे, ढेर के दांत जिनी पूरा बताई बा सोच, हमारे जिये पे फोड़ा जी डाल कब भगवती गौर का हम धके मुड़ गए मरोड़ दे। जा बेटवा जहां से आया जा, तुहार कहानी समाप्त है। अब एक उहक लगे उलार के चलिन फलानी। घर में कोई नहीं था, अरे नागर, अरे जादू तू मेरे औलाद को कहां गई है? सुन मेरी बात को, ¡Gracias!
नहीं किया है? ऐसे नहीं बताएगी तो सच बताना पड़ेगा। जान बच्चे की गलती तेरी माफ कर दू। जान लेकर के तू इस तरह से नहीं बताएगी। मैं इस वक्त बादलपुर थाने पर फोन लगाता हूं, जब पुलिस के मार पाएगी तब तू बता जाएगी। इस तरह से नहीं बताएगी। मेरे बच्चे की जान तेरे सिवा कोई नहीं लिया। सामे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और मैं आपके आगे पांव मारती हूँ। आप मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। पुलिस स्टेशन बादलपुर। हेलो हेलो, हाँ मैं अमन कुमार बोल रहा हूँ। मेरे घर में मेरे बच्चे का खून हो गया। बोलो क्या? मैं सच कह रहा हूँ दरोगा बाबू, मेरे बच्चे का खून करने वाला कोई जान नहीं, मेरी बीवी। आप जल्द से जल्द आप मेरे घर पर चले आइए। ठीक है ये साहब।